हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज टबी द फैट कैट. सो लेट्स स्टार्ट. एंडी वॉज 7 ईयर्स ओल्ड. एंडी वॉज अ बॉय हु वॉज 7 ईयर्स ओल्ड. ही लव टू रन एंड प्ले. उसको भागना और खेलना बहुत पसंद था. ही नेवर एवर वॉन्टेड टू गो टू बेड. उसको बेड पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. His father said it is important to sleep and rest. उसके पापा बोलते थे कि रेस्ट और सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है. His mother said, how will you get up in time for school? कि अगर तुम नहीं सोओगे टाइम पे तो सुबह टाइम पे कैसे उठोगे स्कूल के लिए. Next, one weekend Andy and his parents went to visit grandpa. एक वीकेंड पे एंडी जो है और उसके पेरेंट्स जो है दोनों ग्रैंडपा के घर गए थे. तो ग्रैंडपा हर्ड ऑल अबाउट इट. जो ग्रैंडपा थे उन्होंने उनको सारी बातें मतलब पता चली. उनकी जो पेरेंट्स ने सब सारी बातें उनके ग्रैंडपा को बताई और उन्होंने क्या बोला, आई थिंक आई हैव एन आइडिया. क्योंकि ग्रैंडपा ने बोला कि क्या मेरे पास एक आइडिया है. टबी माई फैट कैट कैन हेल्प. कि जो है टबी है मेरा कैट है वो आपकी हेल्प कर सकता है. एंडीज पेरेंट्स टुक द कैट होम विद देम इन देयर कार. तो एंडी के पेरेंट्स ने उस कैट को अपने साथ घर लेके गए. टबी वॉज अ स्लो फैट कैट. टबी बहुत मोटा था, बहुत स्लो था वो. मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन न्यू वेयर ही वॉज. मतलब ज़्यादातर टाइम किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है, कहाँ वो होता है. That night at bed time Andy again did not want to go to bed. उस रात वापस Andy को बेड पे जाना मतलब उसको इच्छा ही नहीं होती थी कि वो बेड पे जाए. उसको सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था उस रात को. His parents waited to see if Tubby would go something to make him go to bed. कि उसके parents सोच रहे थे कि Tubby कुछ करे और उसका जो मन है वो सोने का करे, उसको वो जाके सो जाए. बट उस रात भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन्ड. ग्रैंडपा सैड टबी वुड हेल्प, सैड एंडीज फादर. ग्रैंडपा ने बोला था कि टबी उसकी हेल्प करेगा. ये कौन बोल रहे हैं, एंडी के फादर. आवर्स लेटर एंडी फाइनली डिसाइडेड टू गो टू बेड. कुछ घंटों बाद एंडी ने सोचा फाइनली कि मैं अभी जाके सो जाता हूँ. बट वॉट अ सरप्राइज वेन ही एंटर्ड हिज रूम. बट जब उसने एंटर किया रूम में तो उसने क्या देखा, क्या सरप्राइज मिला उसको. टबी वॉज स्प्रेड आउट ऑन हिज बेड. मीन्स टबी इतना मोटा है कि वो पूरे बेड पे स्प्रेड आउट, मीन्स पूरे बेड पे लेट के सो गया हो. तो ही एज स्नोरिंग लाइक अ ट्रेन. ये ट्रेन की तरह खराटे ले रहा था वो. एंडी ट्राइड टू शिफ्ट टबी बट ही कुड नॉट मूव हिम नॉट इवन एन इंच. एंडी ने बहुत ट्राई किया टबी को शिफ्ट करने के लिए बट उसने ना ही मूव कर पाया, एक इंच भी उसने मूव नहीं कर पाया उसको. दैट नाइट एंडी हार्डली स्लेप्ट. उस रात बहुत मुश्किल से सोया एंडी. टबी पुश्ड हिम इनटू वन कॉर्नर ऑफ द बेड. टबी ने सोचा कि मैं उसको पुश कर लूँ एक कॉर्नर बेड के कॉर्नर में. फिर उसने पुश किया. द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपन. तो नेक्स्ट डे था वापस वही की वही चीज़ हो गई. एंडी वॉज टायर्ड एंड स्लीपी. एंडी बहुत देर के बाद टायर्ड और स्लीपी हो जाता तब वो जाता था रूम में. सेम थिंग होती थी कि टबी वॉज इन हिज बेड व्हेन ही वेंट अप. जैसे वो ऊपर गया तो उसने देखा कि टबी उसके बेड पे कल की तरह वापस आज भी वो सो रहा था. ऑन द थर्ड डे एंडी डिसाइडेड टू गेट इन टू बेड बिफोर टबी डिड. थर्ड डे पे क्या हुआ, एंडी ने क्या सोचा कि आज मैं टबी के पहले जाके सो जाऊंगा. दैट नाइट एज सून एज हिज पेरेंट्स सेड नाउ इट्स बेड टाइम. उस रात जब पता चला कि पेरेंट्स ने बोला कि अभी बेड टाइम हो गया, अभी सोने का टाइम हो गया है तो चलो सो जाते हैं. तो उस टाइम क्या हुआ, एंडी रैन अपस्टेयर्स एंड जम्प्ड इनटू बेड. एंडी अब भाग के गया और बेड पे जाके सो गया. हिज पेरेंट्स कुड नॉट बिलीव इट. उसके पेरेंट्स को विश्वास ही नहीं हुआ. दे न्यू नथिंग अबाउट टबी स्लीपिंग एंडीज बेड. उसको उनको मतलब पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बेड की जो सिचुएशन ऊपर हो रही थी एंडी के रूम में, क्या क्या सिचुएशन हो रही थी दो दिन से, इसके बारे में उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता था.
सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई एंडी वेंट टू बेड ऑन टाइम. तो इसके लिए उनको समझ में नहीं आया कि आज जो है एंडी जो है वो जल्दी क्यों गया बेड पे, टाइम पे क्यों चला गया. दे वर जस्ट हैप्पी दैट ही डिड. बस जो उसने किया उसके लिए वो बहुत खुश थे. कैन यू गैस वेर टबी स्लेप्ट दैट नाइट. क्या आप गैस कर सकते हैं कि टबी उस रात कहाँ सोया था. थैंक यू स्टूडेंट्स.